बिहार के बहुचर्चित सुजीत मेहता हत्याकांड का उद्भेदन पुलिस कप्तान कांतेश कुमार मिश्र ने शनिवार को प्रेस वार्ता का आयोजन कर किया है। पुलिस कप्तान कांतेश कुमार मिश्र ने तिलहारा पंचायत के मुखिया मुन्ना सिंह का हत्या सुजीत मेहता ने किया था और नबीगढ़ थाना में सुजीत मेहता पर हत्या का मुकदमा दर्ज था। दो हत्या के प्रतिशोध में सुजीत मेहता की हत्या की बात पुलिस अनुसंधान में आई है। सुजीत की हत्या की साजिश पहले से ही चल रही थी। हत्या की साजिश जनवरी माह में ही रची गई थी। सुजीत मेहता की हत्या के लिए 12 लाख की डील भी तय हुई थी। होली के समय भी सुजीत पर अटैक की कोशिश की गई, लेकिन उस वक्त काफी भीड़भाड़ रहने के कारण हमलावरों को सफलता नहीं मिल सकी थी। अंबा और कुटुंबा थाना के 3 स्थानीय लोगों के सहयोग से 5 अगस्त को अपराधियों ने हत्या को अंजाम दे डाला। सुजीत मेहता हत्याकांड में मृतक की पत्नी दधपा बिगहा निवासी सुमन कुमारी के बयान पर 6 अगस्त को भादव की धारा 302, 307 एवं 34 तथा आर्म्स एक्ट के तहत अंबा थाना कांड संख्या 191/22 दर्ज किया गया था, जिसमें 3 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था। वहीं गिरफ्तार अपराध कर्मियों के विरुद्ध सुजीत मेहता की हत्या का पुलिस के पास पर्याप्त साक्ष्य था। हत्या में शामिल 5 अपराध कर्मियों के विरुद्ध अनुसंधान जारी है। बहुत जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुजीत मेहता की हत्या के मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार अपराध कर्मियों में पुरुषोत्तम मेहता अंबा थाना, रंजन मेहता एवं ब्रजेश मेहता कुटुंबा थाना, रोशन पांडे झारखंड राज्य के पलामू के गढ़वा तथा शुभम सिंह वजीरगंज गया का है। शुभम सिंह पर झारखंड राज्य के पलामू जिले का हरिहरगंज थाना में हत्या का एक मुकदमा पहले से दर्ज है तथा अन्य मुकदमे भी चल रहे हैं। एसपी ने बताया कि हत्याकांड के उद्भेदन के लिए एक विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया। इसी दल ने अनुसंधान के दौरान तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किया। इसी साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने मामले में 5 अप्राथमिक अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने अनुसंधान के दौरान पहले झारखंड के पलामू जिले के हरिहरगंज थाना के बलरा में नलिहान में रह रहे गया जिले के वजीरगंज थाना के चुलाई बिगहा निवासी शुभम सिंह को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में शुभम ने पुलिस के समक्ष हत्याकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और हत्याकांड में शामिल सहयोगी अपराधियों के बारे में जानकारी दी। थाना में एक हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था, सुजीत मेहता नामक व्यक्ति की हत्या हुई थी। इस संबंध में 3 लोगों को ऊपर नामजद ये केस दर्ज हुआ था। लगभग 2 हफ्ते के अथक प्रयासों के बाद इसमें कि जो विशेष एसआईटी जो बनी थी, इसमें जिसका कि नेतृत्व एसडीपीओ सदर कर रहे थे, कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। 2 सप्ताह में हमें बहुत सारी गुप्त सूचना भी मिली स्थानीय स्तर से, वीडियो फुटेज प्राप्त हुआ और बाकी अन्य जो तकनीकी अनुसंधान में जो हम लोग को डिटेल्स मिला उसमें 5 लोगों को हम लोग गिरफ्तार किया है। शुभम सिंह, रोशन पांडे, पुरुषोत्तम कुमार मेहता, रंजन कुमार मेहता और ब्रजेश कुमार मेहता। घटना का कारण बताया जा रहा है कि जो मृतक हैं सुजीत कुमार मेहता, इन पूर्व में इन्होंने प्राथमिकी जो अभियुक्त हैं आकाश कुमार सिंह के पिता की हत्या की थी और इस संबंध में इन्होंने काफ़ी समय इन्होंने जेल में गुजारा था। इसके अतिरिक्त नवीनगर में सन 2013 में इन्हें एक हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था सुजीत कुमार मेहता के विरुद्ध। उसमें जो पुरुषोत्तम कुमार के भाई रंजीत कुमार मेहता और रंजन कुमार के भाई राजू कुमार मेहता, इनकी हत्या का हुई थी। तो इन दोनों हत्याकांड जो हुआ था इसी के प्रतिशोध में ये घटना को कारित किया गया है। जो 5 लोगों के अलावा भी और 5 लोगों के ऊपर हमारी जाँच चल रहा है और जो बाकी लोग बताए जा रहे हैं कि झारखंड में डाल्टनगंज के रहने वाले हैं, वो उन्होंने आके इस घटना को और अंजाम दिया है। पूर्व में जनवरी माह से ही इस घटना की प्लानिंग चल रही थी और 12 लाख रुपए देने की बात है आकाश सिंह द्वारा इन लोगों को, अलग अलग जो लोग हैं और जो लोकल लोग हैं इन्होंने सर्वेलेंस करके उसको बताया है कि कहाँ से मूवमेंट हो रहा है और संभवतः होली के आसपास इन्होंने पहले भी अटेम्प्ट लिया था हत्या करने का, तो उस दौरान भीड़भाड़ रहने के कारण घटना को नहीं अंजाम दिया जा सका, तो अब जाके इस घटना को अंजाम दिया गया है। हम लोगों ने जो घटना में जो प्रयुक्त हुआ जो गाड़ी है स्कूटी, वो बरामद किया है और इनके पास से 4 मोबाइल फ़ोन भी मिला है। तो अभी तक जो हमारे पास जो लोग पकड़ाए हैं इनके विरुद्ध साक्ष्य उपलब्ध है। इसके अलावा और जो लोग हैं उनके खिलाफ़ हम लोग जाँच कर रहे हैं
और बाकी जो लोग हैं उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाएगी। गोली कौन मारा सर?